समाज में बढ़ते मॉब लिंचिंग मामलों के खिलाफ कदम उठाते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 ने गैर इरादतन हत्या की एक नई श्रेणी पेश की है, जो न्याय निवारण और पीड़ितों की सुरक्षा पर जोर देने के साथ मॉब लिंचिंग के मुद्दों को लक्षित करती है। ये भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में मॉब लिंचिंग के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। मॉब लिंचिंग अपराधों के लिए धारा 103(2) में प्रस्तुत विशेष प्रावधान में मॉब लिंचिंग से संबंधित अपराधों को परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब 5 या अधिक व्यक्तियों का एक समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, स्थान, जन्म, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्याएं करता है, तो ऐसे अपराधों को मॉब लिंचिंग के दायरे में संबोधित किया जाएगा। ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को हत्या के लिए सजा के तहत निर्धारित मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और उचित समझे जाने वाले जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसी तरह केवल मॉब लिंचिंग प्रावधान में उल्लिखित आधार पर भीड़ द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने के कृत्यों को धारा 117(4) में सख्ती से दंडित किया गया है।